महामारी के हाहाकार के बीच जबलपुर के एक निजी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेमडेसिविर इंजेक्शन के नोडल अधिकारी और एसडीएम आशीष पांडे ने धावा बोल दिया। एसडीएम के इस औचक निरीक्षण को देखकर अस्पताल प्रबंधन के होश उड़ गए। दरअसल शहर के विभिन्न निजी अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों से जिला प्रशासन को तमाम शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिसके चलते कलेक्टर के निर्देश पर उन शिकायतों की जांच और कार्यवाही के तहत एसडीएम आशीष पांडे ने देर रात निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण शुरू कर दिया। निरीक्षण की शुरुआत उखरी स्थित एक निजी अस्पताल से शुरू हुई, जो देर रात तक अलग अलग अस्पतालों में जारी रही। निरीक्षण के दौरान अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं के साथ इंजेक्शन के रिकॉर्ड और मरीजों से सीधे संवाद कर समस्याओं को भी जाना गया। डॉक्टर साहब की टीम के साथ हम लोग रेमडेसिविर की जो उपयोगिता है उसको देखने आए थे, तो अभी इनके रिकॉर्ड्स वगैरह देखे हैं, उनको ले लिए हैं और पेशेंट से बातचीत की है कि क्या कैसी स्थिति है, तो उसके आधार पे एक सजगता और अवेयरनेस और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स देख रहे हैं कि रेमडेसिविर उनको प्रॉपर दिया जा रहा है। अभी हॉस्पिटल में अभी तो शुरुआत हुई है, अभी एक हॉस्पिटल है सर। इसके अलावा अभी यहाँ पे जो जांच आपने पाई उसमें क्या खामियां मिली हैं? अभी इनके पेपर सेटिस्फाई हुए हैं? पेपर सभी इनके ले लिए हैं, पेशेंट से बात किए हैं, तो पेशेंट्स का तो इनके सेटिस्फेक्शन लेवल है। शिकायतें प्राप्त हुई होगी मरीजों की? शिकायतें रेंडमली प्राप्त हुई हैं, पर्टिकुलर हॉस्पिटल की प्राप्त नहीं हुई हैं। लगभग प्रतिदिन कॉल आते हैं, तो कुछ पेशेंट्स का कहना रहता है कि अधिक रेट में दिए जा रहे हैं, तो उसी को हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो सर इस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? तो विधि अनुसार जो होगी वो कार्रवाई की जाएगी अगर मिलता है तो। एसडीएम आशीष पांडे का कहना है कि जिस तरह शिकायतें प्राप्त हो रही थी उसी के आधार पर अस्पतालों का औचक निरीक्षण शुरू किया गया है। ऐसे में तमाम रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं, यदि किसी भी प्रकार की कोई खामी पाई जाती है तो उसके आधार पर संबंधित अस्पताल या दोषी के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।